हे फ्रेंड्स, राजेश शेर। अगर आप इंडियन रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G या फिर पोको एक्स 4 प्रो के यूजर हैं तो आप जो है अभी तक जो है MIUI 13 का एंड्रॉइड 11 वर्जन ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉइड 11 का जो वर्जन है वो अभी आपके लिए रिलीज नहीं हुआ है। बट फाइनली जो है ग्लोबल यूजर्स के लिए जो है एंड्रॉइड 12 का वर्जन जो है ऑलरेडी Xiaomi ने रिलीज कर दिया है, जिसको इस टाइम पे हम अपने पोको एक्स 4 प्रो या जिसे आप रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G बोलते हैं उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको एंड्रॉइड 12 में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और किस तरीके का ये रोम जो है आपको एंड्रॉइड 12 के साथ आपको देखने को मिलता है, कौन सा वर्जन है और कौन सा सिक्योरिटी पैच जो है आपको इस रोम में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस टाइम पे जो ग्लोबल वर्जन का जो है MIUI 13.0.2.0 वर्जन यूज कर रहे हैं, जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ आपको देखने को मिला है। एंड सिक्योरिटी पैच जो है आपको इसके अंदर 1st ऑफ जुलाई 2022 का यहाँ पे देखने को मिला है। इंडियन यूजर्स जो है अभी भी जो है MIUI 13 का एंड्रॉइड 11 वर्जन ही यूज कर रहे हैं, अभी तक एंड्रॉइड 12 का अपडेट जो है उन्हें रोल आउट नहीं किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं ये कौन से विजिट्स और कौन से आइकन्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा, हम एक ये थीम यूज कर रहे हैं जिसमें आपको काफी सारे विजिट्स का सपोर्ट मिलता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसको यूज करके अपने फोन के अंदर कुछ इस तरीके के विजिट्स पा सकते हैं। अब कुछ चेंजेस की बात की जाए तो कंट्रोल सेंटर जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है पुराना कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने को मिलता है, बट ग्लोबल वर्जन में जो है आपको न्यू कंट्रोल सेंटर जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसका लुक जो है आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है। बट मी म्यूजिक प्लेयर जो है अभी भी यहाँ पे मिसिंग है, जो कि आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को नहीं मिलता है। अगर कुछ और चीजों की बात की जाए तो विजेट का सपोर्ट जो है अभी भी आपको जो है इस रूम के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, आपको जो है क्लासिक ही विजेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डायलर जो है आपको गूगल का ही यहाँ पे प्रोवाइड किया है, मोस्टली जो है सभी Xiaomi फोन्स में अब गूगल के ही डायलर आपको देखने को मिलते हैं, बट गूगल के डायलर के अंदर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विदाउट किसी वार्निंग के, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को एक बार चेकआउट आप कर लेंगे तो आपकी गूगल डायलर की सभी प्रॉब्लम्स जो है फिक्स हो जाएंगी। कैमरा एज इट इज वैसा ही है, कैमरा जो है फुल्ली वर्किंग है, आपको जैसे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। आप मोर में जाते हैं तो आपको 108 मेगापिक्सल का जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है, जो कि रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G के यूजर्स को यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐप वॉल्ट का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, आपको इसके अंदर जो है गूगल की फीड ही यहाँ पे देखने को मिलती है। लॉन्चर जो है फुल्ली अपडेटेड है, लॉन्चर जो है आपको नया यहाँ पे देखने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए MIUI लॉन्चर में हम चलते हैं, सेटिंग्स आप देख पाएंगे, आपको यहाँ पे एनिमेशन स्पीड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रिलैक्स्ड, बैलेंस एंड फास्ट। जेस्चर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, अरेंज आइटम्स इन रीसेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट जो जेस्चर जो है आपके इसमें परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, एंड लॉन्चर जो है फुल्ली अपडेटेड है। कुछ और चीजें भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी अलग से देखने को मिलेगी, फोल्डर में आपको जो है ब्लर बैकग्राउंड आपको देखने को नहीं मिलता है, कंट्रोल सेंटर में जो है आपको ब्लर बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिलता है। जेस्चर जो है एंड्रॉइड 12 के परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, आपको ठीक तरीके देख पा रहे होंगे। आपको जो है इसमें मोनेट सिमिंग इंजन का सपोर्ट मिल जाता है, बट वो सिर्फ गूगल की एप्स पे ही काम करता है, चाहे आपको कीबोर्ड वगैरह यूज कर रहे हो या गूगल की किसी भी ऐप के अंदर हो, तो आपको जो है मोनेट सिमिंग इंजन का जो एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट है वो आपको आपके गूगल की ही ऐप में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। गैलरी एज इट इज वैसे ही है, गैलरी में कोई चेंजेस नहीं है, साइड बार आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जिसमें डॉल्बी एटमोस का फीचर यहाँ पे दिया गया है। अगर हम गेम टर्बो की बात करें तो मैं आपको गेम टर्बो दिखा देता हूँ, मैंने इसको मी रिमोट के अंदर जो है इंस्टॉल कर रखा है, मैंने सेटअप कर रखा है। तो ये देखिए गेम टर्बो जो है आपको लेटेस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें वॉइस चेंजर, टाइमर और आपको बूस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप परफॉर्मेंस या बैलेंस मोड पे इसको बूस्ट कर सकते हैं, प्री स्टोरेज कर सकते हैं, क्लियर मेमोरी कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सेटिंग्स पहले में जाए तो आपको जो है नया गेम टर्बो जो है यहाँ प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस, गेम R&D, एडिशनल सेटिंग्स, ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इवन जो सिक्योरिटी की एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पे अपडेटेड ही यहाँ पे देखने को मिली है, कुछ नए टूल्स जो है आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गेम टर्बो में आपको लॉन्च कर देता हूँ, गेम टर्बो का लुक जो है आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो आपके पुराने गेम टर्बो से बिल्कुल अलग है, और नया गेम टर्बो जो है अब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है कुछ इस नए UI के साथ। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको नया गेम टर्बो के अंदर देखने को मिल चुका है, और साथ ही साथ आपको नया कंट्रोल सेंटर जो है आपको इस रूम के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है उसके अंदर जो 10 सेकंड्स की लिमिट है उसको ऑलवेज किया गया है कि नहीं, तो वो एज इट इज़ वैसे ही है, चाहे आप ग्लोबल रूम पे हो चाहे इंडियन रूम पे हो, वही आपको चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एज पर सारी सेटिंग्स जो है आपको वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलती है,
उसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं है। डिस्प्ले में वही आपको जो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जो है आपको यूआई में यहाँ पे चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। अब आपको जो है यहाँ पे नया कंट्रोल सेंटर का जो है यूआई यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, सारी चीजें परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, वो जो की वर्किंग है। लॉन्चर अपडेट है। वॉलपेपर में आपको जो है सुपर वॉलपेपर्स का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। थीम स्टोर का लुक जो है आपको जो कुछ इस तरीके का अब जो है एक नया थीम स्टोर जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स पैनल में आपको और चीज़ों की बात की जाए तो बाकी सबको स्पेशल फीचर्स वही देखने को मिलते हैं। आपको फ्लोटिंग विंडोज में ही साइड बार का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसको आप यहां से इजीली एक्सेस कर पाते हैं। अगर हम एडिशनल सेटिंग्स में जाएं तो एडिशनल सेटिंग में आपको मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया है, जिसमें आप 2GB रैम तक जो है इसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी जो है आप इसके अंदर यूज कर पाते हैं। तो कुछ ये चीजें आपको इसके अंदर दिखने लगती हैं। बैटरी पैनल की बात करें तो बैटरी पैनल में आपको सेव बैटरी बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड यहाँ दिया गया है। बाकी आप यहाँ से टेम्परेचर एंड कितनी बार फोन को आपने चार्ज किया है वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अगर एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन जो है ठीक तरीके से ही काम करने, कोई मुझे ज़्यादा लैग वैग देख रही है। हाँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो शुरू में काफी जो है आपको एनिमेशन में डिले और लैग आपको देखने को मिलता, पर जैसे जैसे एप्लीकेशन जो है ऑप्टिमाइज हुई उसके बाद जो है सारी चीजें जो है ठीक तरीके से काम करना स्टार्ट कर गई। तो ओवरऑल मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको जो एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा उसमें कुछ नए चेंजेस तो आपको मिलेंगे, जैसे कि कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलेगा, आपको नया गेम टर्बो देखने को मिलेगा, बट विजेट का सपोर्ट जो है अभी भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर ऐप वॉल्ट जो है यहाँ पे अभी प्रोवाइड नहीं किया गया। मे बी आगे चल के जो MIUI 13 का एंड्रॉइड 12 बेस जो है नया अपडेट देखने को मिले उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस जरूर कंपनी कर सकती है, बट इस टाइम पे काफी सारे फीचर्स जो है अभी भी MIUI 13 के आपके फोन में से मिसिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप इस रोम को सिर्फ जो है फास्ट बूट फ्लैश के थ्रू ही फ्लैश कर सकते हैं, उसके लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।